हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर प्याज की चटनी, बिल्कुल यूनिक तरीके से। आप इसको कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो और किसी के भी साथ सर्व करके खा सकते हो। काफ़ी जल्दी बन जाती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। टमाटर प्याज की चटनी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज और इसमें मैंने डाली हैं 2 हरी मिर्च। प्याज आपको कुछ इस तरीके ही काटनी है, जैसे सलाद की तरह काटते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 बड़े टमाटर, इनको भी मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है। दोनों ही चीज़ को अच्छे से काट लेंगे और फटाफट से लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुकी है, उसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे डाला है कम से कम 2 बड़े चम्मच अच्छे से सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही दोस्तों मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरे को अच्छे से चटका लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी प्याज। और जीरा अच्छे से चटक चुका है तो मैंने इसके अंदर कड़ी है अपनी प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा हल्के सा भून लेंगे। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे आधी चम्मच कम से कम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँ। ये मेरी छोटी चम्मच है, इसीलिए मैंने बताया है कि जो नॉर्मल चम्मच है वो आधी चम्मच डालें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें, लहसुन भी अच्छे से भून जाएगा। प्याज और लहसुन दोनों ही अच्छे से भुन गए हैं। प्याज कुछ इस कलर की होनी चाहिए, पूरी नहीं भूननी है, हल्की गुलाबी हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने टमाटर कटे हुए, इनको भी एक बार इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तकरीबन नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच नमक। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। याद रखें कि हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है। अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, पर मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है इसलिए मैंने 1 ही चम्मच ऐड करा है। और क्वान्टिटी के हिसाब से आप अपने मसालों को घटा बढ़ा सकते हो। दोनों ही चीज़ को मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स करूँगी एक बार। और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम एकदम लो और इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे सारी ही चीज़ मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और एक तरफ इसको इकट्ठा करके मैं इसे प्लेट से ढक दूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए मेरे। 10 मिनट हो गए हैं इसको कवर किए हुए और मैं इसको चेक कर लेती हूँ। टमाटर जो है गलने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो आपको बीच बीच में चला लेना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से जल्दी से मिक्स करेंगे। टमाटरों को आप ऐसे मैश कर लें अच्छे से, जैसे करछी की मदद से या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी मदद से आप इस तरीके से आप मैश कर लें टमाटर को। और आपकी चटनी उसके बाद एकदम तैयार है। और ये मेरी टमाटर प्याज की चटनी एकदम तैयार है, काफ़ी इंस्टेंट है। आप इसको पूड़ी, पराठे, चावल या रोटी के साथ किसी के भी साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। और ख़ास बात इसकी ये है कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हो और ये फ्रिज में काफ़ी दिनों तक चल जाती है। और ये देखिए दोस्तों, मेरी टमाटर प्याज की चटनी एकदम तैयार है। आप इसे कचौड़ी, पूड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोटी, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। जब छोटी सी भूख लगी हो, घर में खाने के लिए कुछ ना हो और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका मेहनत करने का मन ना हो, तो आप इसको फटाफट से तैयार कर सकते हो और पराठों के साथ खा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं अगले दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए। आप इसको फ्रिज में रखकर आराम से स्टोर कर सकते हो और उसके बाद इसे पराठों के साथ खा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं।